चलिए आगे करते हैं इसको। हम यहां से गुणांकों की तुलना करते हैं, मैं ले रही हूं यहां से टी की पावर एन के गुणांक की तुलना करने पर। लीजिए टी की पावर एन के गुणांक, यहां से टी की पावर एन के गुणांक तो यही आ जाएगा 2x hnx n फैक्टोरियल। यहां से लेंगे टी की पावर एन के गुणांक तो एन की जगह रखना पड़ेगा n-1, इधर भी n-1, इधर भी n-1, यहाँ रखना पड़ेगा n+1, तो यहाँ भी n+1 और यहाँ भी n+1, तो सबके अंदर टी के पावर एन के गुणांकों की क्या करते हैं अपन, तुलना करते हैं। लिखिए टी के पावर एन के गुणांकों की तुलना करनी है। पहले इधर लेते हैं 2x hnx n फैक्टोरियल, इधर लीजिए टी की पावर, करवा दिया रिजाइन। इधर लेते हैं टी की पावर एन के गुणांक, एन की जगह n-1 तो ले लीजिए 2 n-1 x n-1 फैक्टोरियल। यहाँ लेना है टी की पावर एन का एन के गुणांक तो एन की जगह n+1 h n+1 x upon n+1 फैक्टोरियल यहाँ निकलाया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबको एन फैक्टोरियल बनाते हैं। सबको एन फैक्टोरियल बनाने के लिए देखो, ये एन फैक्टोरियल है, इसे एन फैक्टोरियल बनाना है। एन फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में, ये तो है, इसको बनाते हैं तो 2 n का ऊपर मल्टीप्लाई और n का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको खोल दो n+1 h n+1 x, इसको भी n फैक्टोरियल बनाना है तो ओपन करो n+1 n फैक्टोरियल, ये तो कट गया 2x hnx n फैक्टोरियल -2n hn-1x n फैक्टोरियल hn+1x n फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल क्या बचा 2x hnx, ये उठा के उधर ले गई 2n hn-1x + hn+1x। हो गया प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, अब थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रही हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा रिकरेंस रिलेशन, पुनरावर्ती संबंध hn' x क्या दोबारा यहां से तो मिटा चुकी मैं, पहले बोलना चाहिए था। कहां से बताना है, ये वाला तो मिटा दिया मैंने। ये वाला समझना हो तो समझ लो, इधर वाला तो मैं मिटा चुकी हूँ, अब यहाँ पर यहीं से बता दूँ। चलो देखो, टी की पावर एन के गुणांकों की तुलना करी थी तो ये आ गए थे वहां से, फिर हमने क्या करा, ये एन फैक्टोरियल था, इसे एन फैक्टोरियल बनाने के लिए एन से डिवाइड किया, एन से मल्टीप्लाई किया, इसको ओपन कर दिया n+1 n फैक्टोरियल, n+1 से n+1 गया, ये एन फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज आ गया, ये एन फैक्टोरियल बन गया, ये एन फैक्टोरियल हो गया, ये कैंसिल हो गया एन फैक्टोरियल, ये एज इट इज, इसको उठा के उधर ले गई प्लस में हो गया, और ये था ही, हो गया प्रूफ। ये वीडियो क्लियर और बफरिंग का सिस्टम है ना आपकी तरफ से हो रहा है, यहाँ से सब कुछ सही है, वहां से प्रॉब्लम आ रही है, नेट प्रॉब्लम इश्यू चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ।
हाँ मैं बता रही हूँ, वीडियो क्लियर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप लोग के नेट प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ से एकदम चेक कर लिया है सब लोग ने अपने मोबाइल से, सब कुछ सही है। यहाँ पर वो नेट प्रॉब्लम हो रही है आप लोग की साइड से, इसलिए वीडियो साफ नहीं है। तीसरा करते हैं HN prime x, तीसरा पुनरावर्ती संबंध लिख रही हूँ, 2x HN x माइनस HN plus 1 x। चलो सॉल्व करते हैं। ये आपके दो पुनरावर्ती संबंध लिखे हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों से होगा। पहले प्रथम पुनरावर्ती संबंध लिखती हूँ, प्रथम वाला, पहला वाला, पहला वाला क्या था, 2N HN minus 1 x बराबर HN prime x, ये तो पहला था पुनरावर्ती संबंध। अब द्वितीय पुनरावर्ती संबंध लिख रही हूँ, सेकेंड वाला भी निकाला ही है रहा, 2X HN x बराबर 2N HN minus 1 x प्लस HN plus 1 x। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 डाल दो, समीकरण 1 का मान 2 में रख दो, इसका मान HN prime x है वो इधर रख दो, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर रखिए मान ये एज इट इज, ये वाला मान और ये मान सेम है, इसका मान कितना है HN prime x रख दिया प्लस HN plus 1 x। HN prime x का मान निकालना है, ये तो एज इट इज इसको उठा के धर लिया है, माइनस HN plus 1 हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। ये तीसरा पुनरावर्ती संबंध हो गया, चौथा चौथा पुनरावर्ती संबंध लिखिए, HN double prime x 2X HN prime x प्लस 2N HN x बराबर, चौथा पुनरावर्ती संबंध ये है आपका, HN double prime x 2X HN prime x 2N HN x बराबर 0, ये प्रूव करके लाना है। चलो करते हैं, देखिए हमने हर्माइट बहुपद की अवकल समीकरण पढ़ी है, क्या थी पढ़िए, Y डबल डैश, ये अभी पढ़ाई थी मैंने, जब हमने चैप्टर ये वाला हर्माइट बहुपद स्टार्ट किया है तब हमने इसके अवकल समीकरण पढ़ी थी, Y डबल डैश x माइनस 2XY डैश प्लस 2NY इक्वल टू 0, यही पढ़ी थी हर्माइट बहुपद की अवकल समीकरण। अब यहाँ क्या करते हैं, हम y को हर्माइट बहुपद से रिप्लेस कर देते हैं, अगर इसकी रखने पर रख दीजिए इसकी जगह HN double prime x 2X HN prime x प्लस 2N HN x बराबर 0, हो गई प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो, 4 हो गई है, अब 5वां पुनरावर्ती संबंध करना है।
पांचवा, ये बराबर प्रूव करके लाना है, टू एन एच प्राइम एन माइनस वन एक्स। ये प्रथम पुनरावर्ती संबंध है, सेम एज इट इज, जो प्रथम है वो भी ऐसा ही है। क्या है प्रथम वाला पुनरावर्ती संबंध? 2n h n minus 1x h n prime x। आपको पता है इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो आ जाएगा, करिए इसका एच एन डबल प्राइम एक्स, इसका करिए हो गया। नहीं, इसमें रोड्रिंग सूत्र नहीं है, रोड्रिंग सूत्र केवल उसमें ही था लेजेंड्रे में, इसमें नहीं है रोड्रिंग सूत्र। चलो पांच हो गया, एक लास्ट बची है वो और कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएंगे सारे। पांच हो गई, छह है इसमें, एक और करवा देती हूँ फिर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। सिक्स वाली, चलो सिक्स वाली स्टार्ट करते हैं। एच एन डबल प्राइम एक्स 4n n minus 1 h n minus 2 x। ये प्रूव करके लाना है आपको कि, आवाज नहीं आ रही यहां से तो जा रही है, यहां से तो जा रही है बेटा, हाँ आप लोगों के उसमें प्रॉब्लम है थोड़ा, इस वजह से कोई कोई इशू होते रहते हैं, नेट प्रॉब्लम करता है तब ऐसा रहता है। चलो इसको सॉल्व करना है, आखिरी बचा है, स्कोर कर लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा हरमाइट बहुपद। स्टार्ट करते हैं, वही जो आपने प्रथम संबंध निकाला था, क्या था प्रथम पुनरावर्ती संबंध, एच एन प्राइम एक्स किसके बराबर था, एन एच एन माइनस वन एक्स। प्रथम पुनरावर्ती संबंध इसके बराबर था, अब इसकी जगह मैं एन की जगह एन माइनस वन रख रही हूँ, रखिए एन बराबर एन माइनस वन, रखने पर रख दीजिए एन की जगह एन माइनस वन, ये हो जाएगा एच एन माइनस वन एक्स प्राइम में, टू एन की जगह एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन रखेंगे तो एन माइनस टू एक्स, ये हो गया। और समीकरण पांच निकाली है हमने, ये रही एच एन डबल प्राइम एक्स का मान कितना होता है, इतना होता है टू एन एच प्राइम एन माइनस वन एक्स, यही होता है। चलो करते हैं, वो क्या बोलते हैं, पांचवा पुनरावर्ती संबंध, पांचवा क्या था आपका, एच एन डबल प्राइम एक्स 2n h prime n minus 1x। अब देखो h prime n minus 1x का मान ये निकल गया है, इसका मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख रही हूँ h prime n minus 1x का, रखिए तो h n double prime x 2n h prime n minus 1x का मान ये रहा, रख दीजिए इसमें 2n minus 1 h n minus 2x h n double prime x 2 2 जा 4 n n माइनस 1 h n माइनस 2 x, हो गया प्रूफ। खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे पुनरावर्ती संबंध हो गए, एक लास्ट बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो, लाम्बिकता संबंध वो लिख रही हूँ, फिर कंप्लीट है हरमाइट, और कल से लेग्यूरे करेंगे, वो एक दो दिन का है, हो जाएगी आपकी दिसंबर में, ये पूरी यूनिट बुक कंप्लीट हो जाएगी लास्ट दिसंबर तक, कल लेग्यूरे स्टार्ट करेंगे। अच्छा कल तो 30 तारीख ही हो गई जाएगी, या एक दो तारीख में हो जाएगी बुक कंप्लीट।
कल तो 30 तारीख ही हो जाएगी। इसका आप बोल लिख दो, लांबिकता संबंध, लांबिकता संबंध और लिखिए इसका एच एन एक्स, मतलब हर्माइट बहुपद का लांबिकता संबंध। हाँ अब कंप्लीट हो रहा है तो अच्छी बात है ना। पता नहीं छुट्टी है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, पता चल जाएगा अपने आप तुम लोगों को, अगर होगी तो, नहीं होगी तो। पता नहीं क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। ये तो वहां से सर बताएंगे ना, तब होता है सब कुछ, हम थोड़ी ना अपने आप करेंगे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स बराबर टू की पावर एन एन फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट लर्न कर लेना, रूट पाई डे लेना, लिख लो, खत्म। हर्माइट बहुपद कंप्लीट हो गया है, लेग्यूरे और बचा है, मेरे हिसाब से शायद 2 ही दिन में हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा। एक दिन तो वो लेग्यूरे का बोलेगा, हाँ मेरे हिसाब से 2 या 3 मुश्किल से बस, फिर आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। हो गया पूरा कंप्लीट ये, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्मोडायनेमिक्स हो गई तुम लोगों की, अच्छा हो गई वो कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट नहीं हुई अभी, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक चालू नहीं हुई है, अच्छा अच्छा ठीक है चलो, उसका तो अभी पता नहीं कौन पढ़ाएगा, ये नहीं पता मुझे, अच्छा अच्छा ठीक है चलो, ये भी मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी तुम्हारी, खत्म हो जाएगी फिर मैथमेटिकल फिजिक्स। अरे ये थोड़ी ना होता मैं ही पढ़ाऊंगी, पता नहीं किसको मिलेगी, जिसको मिलेगी वो पढ़ाएगा, जिसको मिलेगी वो पढ़ाएगा बुक को। चलो मीटिंग एंड करती हूँ मैं, हो गया टाइमिंग भी।